सबसे पहले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं अपना CPO SI का DB और मेडिकल का पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DB के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे और मेडिकल के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, और जब DB करवाएंगे तो उस समय आपको कौन कौन से डेटा के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि DB के दौरान सबसे पहले हमारे साथ क्या हुआ। जैसे ही हम एंटर करें सुबह 7 बजे, हमें एक हॉल में ले जाकर के, मेंस क्लब हॉल नाम था उसका, उसमें ले जाकर के बैठा दिया गया। बैठाने के बाद में हमें एक नेक्सर दे दिया गया, फॉर्म दे दिया गया हमें, और उसके अंदर हमें कुछ डेटा फिल करने थे, जैसे कि अपने रोल नंबर, नाम, एड्रेस, जो भी अपनी जो बेसिक डिटेल्स होती है वो हमें फिल करनी थी उसमें। और उसमें सबसे मेन बात ये थी कि उसमें कुछ पेजेस ऐसे थे जिसमें आपको अपनी फैमिली डिटेल भी आपको फिल करनी थी। उस फैमिली डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना था वो मैं आपको बताता हूँ। फैमिली डिटेल में ये था कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी एज कितनी है, आपके जो सिस्टर ब्रदर है उनकी एज कितनी है। तो यह आप पहले से देख करके जाएं कि अपने पेरेंट्स की और अपने फैमिली मेंबर, अपने जो सिस्टर्स और अपने जो ब्रदर्स हैं उनकी एज कितनी है, ताकि आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करते समय परेशानी ना हो। उसके बाद में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, वो आपको बताते रहते हैं कि आपको यहाँ पर टिक करना है, आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि आपको खांसी, जुकाम परमानेंट, आपने कभी सर्जरी करवाई हो, लेज़र करवाया हो आँखों में, ये सब आपसे वो पूछते हैं। तो एक फॉर्म होता है उसमें आपको फिल करना होता है। उसके बाद में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होती है, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन आपने कब पास किया है, वो सब आपको फिल करना होता है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता नहीं है, वो आपको बताते जाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल उनका नेचर होता है। स्टाफ बहुत अच्छा था, मेरा था अजमेर का DC1 के अंदर CRPF सेंटर था, वहाँ पर था, तो वहाँ का स्टाफ जो था वो बहुत ही बढ़िया था। फिर उसके बाद में हमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए बुलवाया, तो अलग अलग एक टीम बैठी होती है वहाँ पर, अलग अलग एक ऑफिसर्स बैठे होते हैं वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। पहले एक बंदे का पर्टिकुलर चेक किया जाता है, तो मैं आता हूँ OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो मैं आपको बताऊँगा। तो मुझे ओनली 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो ग्रेजुएशन मैंने BSc किया है, तो 3 साल की पर्टिकुलर ईयर की मार्कशीट चाहिए थी और एक फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए थी। और आपके पास यदि प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा, और यदि ना हो तो आपको डिग्री लेकर के जानी होगी। ये हो गई क्वालिफिकेशन। उसके बाद में आपको चाहिए OBC सर्टिफिकेट, और OBC सर्टिफिकेट जो है वो एक क्रूशियल डेट है, वो आपको उससे पहले की होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको चाहिए मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप ले जाइए। उसके बाद में आपको ID चाहिए होती है, यदि आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। और उसके अलावा आपको एक ID जैसे कि आधार कार्ड या वोटर ID जो भी आपके पास है वो आप ले जा सकते हैं। और आपको फोटोज, वहाँ पर 3 फोटोज़ की आवश्यकता होती है फॉर्म में पेस्ट करने के लिए, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से आप थोड़ी एक्स्ट्रा फोटोज लेकर के चले जाइए। जैसे कि 3 फोटो चाहिए होती है तो आप 6 या 7 फोटोज़ अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। उसके अलावा आपको इतना कुछ बटन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाता है कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। और ये तो रही डॉक्यूमेंट्स की बात है, ओरिजिनल ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और यदि आपके पास LCC सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, यदि आपके पास अप्लाई किया है उसके अंदर, तो आपके पास LCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इन सभी की 2-2 फोटोकॉपी, ओनली 2-2 फोटोकॉपी चाहिए होती है, तो आप लेकर के जाएं। ये सारा काम हो जाता है DV के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है DV में। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बताया कि DV में आखिर क्या होता है। फिर उसके बाद में हमें लेकर के एक्सरे करवाने के लिए, चेस्ट का एक्सरे करवाया हमारा। और फिर उस दिन थोड़ा सा डिले हो गया था, अगले दिन संडे था, तो संडे का ऑफ था। फिर मंडे के दिन हमें बुलाया गया सुबह 7 बजे, फिर 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक हमें रिजल्ट सुनाया गया। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि क्या क्या टेस्ट होते हैं वो सभी आपको पता होंगे। बस मैं आपको कुछ टेस्ट के अंदर आपको क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पर जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको वो कहते हैं कि कुछ आप खा लीजिए, चाय, नाश्ता, समोसा वहाँ पर मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं, और हालांकि टेस्ट में वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि यदि आप उनको खाएंगे तो कहीं का पेट क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहना होता है, और जब आप इतनी देर बैठे रहते हैं तो आपका पेट यदि ख़राब है तो आपको घबराहट होगी, BP में प्रॉब्लम हो सकती है, BP हाई हो सकती है, लो हो सकता है, या फिर आपका यूरिन और ब्लड सैंपल जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ एलिमेंट ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो आपकी जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि आप कुछ भी ना खाएं, और जब तक आपका यूरिन और ब्लड सैंपल ना हो जाए तब तक आप कुछ भी खाने के लिए ना लें। आप पानी पीते रहेंगे, आपका यूरिन साफ होता रहेगा और यूरिन रिपोर्ट सही आएगी, और घबराने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप बैठें, रिलैक्स होए। और हमारे जो डॉक्टर थे, जो हमारे जो 60 कैंडिडेट का बैच बना था हमारा, उसमें जो हमारे डॉक्टर आए थे वो थोड़े ज़्यादा ही सख्त थे बाकी डॉक्टर्स की तुलना में। वो एक एक पॉइंट से पैरामीटर को लेकर के चेक कर रहे थे, उन्होंने जब एंगल देख रहे थे वो, तो एक स्केल था उनके पास, वो स्केल से वो चेक कर रहे थे। और जो कलर ब्लाइंड टेस्ट है, जब वो कलर ब्लाइंड टेस्ट कर रहे थे, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि कलर्स के नाम याद करके जाएं,
क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि हमसे पूछ लिया गया कि ये कौन सा कलर है। अब कुछ बच्चों को क्या होता है कि कलर पता नहीं होता कि बेबी पिंक क्या होता है, मैरून क्या होता है, पर्पल क्या होता है, रानी कलर क्या होता है, तो ये सब वहाँ पर वो चेक करते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि आपको इस कलर के जैसा कोई दूसरा कलर दिख रहा हो तो आप वो भी बता सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता ना चले कि इस कलर का नाम क्या है तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये कलर किसके जैसा दिखता है। जैसे मुझसे पूछा गया था एक कलर, उस कलर का नाम मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये बैंगन के जैसे दिखता है, तो ऐसे मैंने बता दिया। फिर वो पूछते हैं कि लाइट है, ये डार्क है, ये कौन सी शेड है, ये किसकी शेड है, ग्रीन कलर की शेड है या येलो कलर की शेड है, तो जो भी वो आपसे पूछते हैं वो आप बता सकते हैं, वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप घबराते हैं तो वो आपको पॉइंट बना करके दे सकता है, उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो वो पॉइंट लिख देगा, फिर पूरी मेडिकल जब आपका होगा तो उसमें आप क्लियर कर लोगे, लेकिन आपका एक दिन एक्स्ट्रा खराब होगा। उसके बाद में हमारा हुआ हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट हुआ तो आप अपना कान साफ करवा करके जाए, यदि आपका कान बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसका मतलब आपको एक बार प्राइवेट कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास, ऐसे किसी थड़ी वाले के पास नहीं जाना है, आपको एक डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाकर के पूछना है कि मेरा कान साफ है या नहीं है। यदि साफ है तो पूछे कि कान का पर्दा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि बोले डॉक्टर कि दिखाई दे रहा है तो कान को साफ करवा करके ना जाए, क्योंकि यदि आप कान को साफ करवाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कान डैमेज हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ में एक बंदा था, उसने अपने कान साफ करवाए थे और वो कान साफ करवा करके जब डॉक्टर के पास गया वहाँ पर मेडिकल के दौरान, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, आपके कान के पर्दे पर थोड़ा सा कुछ मार्क है, तो इस वजह से उसे रीमेडिकल दे दिया गया। अब उसे रीमेडिकल में क्लियर किया नहीं किया मुझे भी पता नहीं है, और तो इस वजह से आप अपना कान यदि गंदा हो एकदम तो साफ करवा करके जाए, अन्यथा आप ना तो घर पर साफ करें ना ही किसी बात थाली पर साफ करवाएं और किसी डॉक्टर के पास ही साफ करवाएं। ये हो गया आपके कान का टेस्ट। उसके बाद में आता है आँखों का आई विजन। आई विजन टेस्ट जब करते हैं तो नियर विजन करते हैं, फार विजन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जब सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद में आपके आँखों को ऐसे मसलते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे लेंस पहन करके आ जाते हैं, तो लेंस पहनने के लिए वो कहेंगे नहीं कि आपने लेंस पहना है कि नहीं पहना है। जैसे कुछ डॉक्टर कहते हैं कि आपने यदि लेंस पहना है तो उतार दे क्योंकि हम आँखों को मसलने वाले हैं, इससे आपके आँख को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें बताया नहीं था कि मैं आपकी आँख मसलने वाला हूँ, आपने यदि लेंस पहना है तो उतार दे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप लेंस पहन रखे हैं, आँखों का आई लेंस आपने पहना है, तो उसको उतार करके जाए या फिर वहीं पर उतार दे, क्योंकि वो आपकी आँखों को ऐसे मसलते हैं और वो प्रेशर देकर के आँखों मसलते हैं आँखों को, तो आपकी आँखों को चोट पहुँच सकती है, तो आपकी आँखें जितनी खराब है उससे भी ज़्यादा खराब हो सकती है। और उसके अलावा हमें सुबह से लेकर के शाम तक जब रखा गया, कपड़ा उन्होंने केवल अंडरवियर पहन रखे थे हम, तो पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर के जाए, ये ना सोचे कि हम अंडरवियर में सुबह से लेकर के शाम तक कैसे रहेंगे, एकदम मस्त माहौल की तरह रहे, वहाँ पर अपना आसपास के लोगों से बातें करें, अपना माहौल सही रखें और खुश रहें ताकि आपका मेडिकल सही हो और आपका जो बीपी लेवल है वो सही हो। और आप जब घबराते हैं, जब आप घबराते हैं तो आपके जो हाथ हैं वो वाइब्रेट करते हैं, आपके हाथ वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते हैं तो आपको इसका पॉइंट बना करके दे देता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे के हाथ सही होते हैं लेकिन घबराहट की वजह से उसके हाथ घबराते हैं, जो ऐसे कंपेयर करते हैं वाइब्रेट करते हैं तो वो पॉइंट बन जाता है। और क्या होता है कई बार हम जब घबराते हैं तो हमारे जो हाथ है हथेली है, हथेली के अंदर भी पसीना आने लग जाता है, तो वो वेट टेस्ट का पॉइंट, वेट जो वेट पाम जो है उसका पॉइंट वो बना करके दे देता है। तो थोड़ा सा जब पॉइंट ज़्यादा बन जाते हैं तो रीमेडिकल में आपका क्लियर होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा आदमी जब रीमेडिकल उसको मिलता है तो होपलेस होता है। हमारे बैच में 47 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चों को रीमेडिकल दिया गया, तो 45 बच्चे जो थे उनमें से जो पास हुए वो अपने घर को चले गए और 10 बच्चे जो थे वो रीमेडिकल के लिए अगले दिन उनको फिर से आना था। तो एक तरीके से वो रीमेडिकल में क्लियर तो हो जाएंगे लेकिन एक होपलेस हो जाता है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, कई बार नहीं भी होता। तो इस वजह से आप थोड़ा सा घबराए नहीं, मेंटली एकदम प्रिपेयर होकर के जाए, और जब आप जब तक आपका यूरिन टेस्ट ना हो जाए, ब्लड सैंपल ना ले लिया जाए, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इतना कुछ ज़्यादा टफ होता नहीं है, एकदम सिंपल होता है। और डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए मैंने बताया, ओबीसी सर्टिफिकेट था, और बाकी जो सभी कैटेगरीज है उनके लिए बाकी इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सभी डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल होते हैं। और मेडिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेडिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या ध्यान रखना होता है। हाँ, और एक फ्लैट फुट का टेस्ट जब हमारा किया तो मेरे जो लेफ्ट पाँव था उसमें उन्होंने फ्लैट फुट बता दिया, जबकि मेरा पाँव फ्लैट फुट नहीं था। तो आप क्या करते हैं, फिर वो डॉक्टर फ्लैट फुट नहीं था लेकिन फ्लैट फुट दे दिया, तो उन्होंने टेस्ट किया फिर से कि मेरे पाँव को पानी से भिगोया, फिर वो चलवाते हैं। फिर जब आप चलते हैं तो नीचे की तरफ आपके घेरा बनता है, जो फ्लैट फुट होता है उसका पूरा थप्पा बनता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप चले तो अपने पाँव पे ज़्यादा प्रेशर देकर के ना चले, क्योंकि जितना प्रेशर देंगे उतना पानी का थप्पा नीचे ज़्यादा बनेगा और वो फ्लैट फुट की तरह दिखाई देगा। तो थोड़ा सा हल्के पाँव से चले ताकि फ्लैट फुट आपका शो नहीं होगा, और यदि फ्लैट फुट ओरिजिनल जो मतलब वास्तव में है तो वो तो होगा यदि, लेकिन थोड़ा सा यदि आप बचा सकते हैं तो थोड़ा हल्का चले ताकि वो फ्लैट फुट शो नहीं होगा। और बाकी जो आपके डॉक्टर हैं उनके सामने ज़्यादा ना बोले, थोड़ा सिंसियरली रखें ताकि वो सही से रहते हैं, आपके साथ सही बिहेव करते हैं। यदि आप थोड़ा सा उनके साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वो पहचान जाते हैं और आपको पॉइंट बना करके दे देते हैं, और ये आपके लिए ही नुकसान की बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, इतना है और बाकी घबराने की बात नहीं है। हाँ, और एक बात और, यदि आपका किसी के मेडिकल है
मेडिकल है या डीवी है, जैसे कि मेरा 2 तारीख को था तो हम 1 को गए थे, 2 को मेरा डीवी था, 3 को संडे था, 4 को हमें रिजल्ट सुनाई दिया, तो यदि 4 को नहीं सुनाते वो 5 को सुनाते, मतलब 5 दिन हमें लग चुके होते। तो अपना पूरी तरह से तैयार होकर के जाए, ऐसे ना सोचे कि मेरा एक दिन मेडिकल है अगले दिन मैं आ जाऊँगा, कम से कम 3 दिन का आप लेकर के चलें, 3 दिन की व्यवस्था आप लेकर के चलें, कपड़े या जो भी खाने का है, पैसा है जो भी है वो आप लेकर के चलें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।